हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा फास्ट है, सावन सोमवार का पहला सोमवार है। तो आज हमारा फास्ट है, हम अभी मंदिर जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग दादी के घर भी जाएंगे। तो देखते हैं और क्या क्या काम है आज करने के। जैसे साफ़ सफाई तो मैंने कर दी है, मम्मी भी आ गई हॉस्पिटल से। ये मम्मी, ये रही हमारी मम्मी, मेरी मम्मी दिख नहीं रही। तो फिर मंदिर जाने के लिए चलो तैयार हो जाते हैं। मैंने मीशो से कुछ कपड़े मंगाए थे, मैंने उसकी वीडियो डाली होगी, आज पहन के चलो बाहर घूमते हैं। रेडी, चलो थोड़ा रेडी हो जाते हैं मंदिर जाने के लिए। बाल तो गीले, बालों को तो हल्की सी कंघी कर लेंगे और तो कुछ नहीं कर लेंगे, बिंदी बिंदी लगा लेते हैं। चलो चलो सिंदूर लगाते हैं। वैसे मैं लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मंदिर जा रहे हैं तो इसलिए मैं सूखा सिंदूर इस्तेमाल कर रही हूँ। हो गया ठीक है, थोड़ा फोन कर लेते हैं। फ़ोन को तो नीचे रख देती हूँ, तो मैं आराम से कर पाऊँगी। काजल लगा दूँगी, रॉन का काजल है ये, मुझे बहुत महंगा पड़ा था, तीन वर्थ है। आप देख सकते हो मुझे थोड़ा डार्क लगाना अच्छा लगता है, काजल लगा लिया है। अब हल्की सी लिपस्टिक लगाते हैं और चलते हैं। मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैं जूडियो गई थी तो मैंने जूडियो से एक लिपस्टिक खरीदी थी, ये वेलवेट शेड। मैंने अभी इसको इस्तेमाल भी नहीं किया, टूट गई शेड। वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि वो बोलते तुम बहुत डार्क शेड लगाते हो, तो उन्होंने मुझे थोड़ा लाइट शेड दिया था। कोई नहीं, काम चलाओ। ये हाथ में भी अच्छी लग रही है, मेरे कुर्ती में भी अच्छी लग रही है। तो मैंने लिपस्टिक तो लगा लिया, थोड़ी सी फैल गई है, थोड़ी लाइट है तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं दादी के घर भी जाने वाली हूँ। मेरी दादी बोलेगी बहुत लिपस्टिक लगा रखी है, वो भी बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ मत किया करो, तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में सब बहुत कम मेकअप करते हैं, नाक के बराबर। चलो चलते हैं, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। मैंने पोनी बना दी, बस बहुत गर्मी हो रही है और बाद में मैंने सिंदूर लगाया तो वो भी फैल जाएगा, इसलिए मम्मी कहाँ गई। मम्मी शहर से मंदिर का सामान रख रहे हैं, प्रसाद वसाद। अभी चुन्नी ले लेती सर पे रखने के लिए। चलो, ये मेरी फेवरेट चुन्नी, चल चलते हैं। मम्मी रेडी हो गए आप? ये 10 रुपये थे। मम्मी ये रहे 10 रुपये, नोट अपने। चलो ये हमारा नया, हम ले जा रहे हैं और ये मम्मी मंदिर में जा रही है, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। चप्पल लेके जाएंगे, ठीक है, सामान ले रही है। हमारा सामान रेडी हो चुका है, बस मम्मी का वेट। मम्मी आए, मम्मी बहुत टाइम लगाती मेरी मम्मी। आज मौसम भी थोड़ा गर्म गर्म जैसा है, धूप आ रही है इसलिए ये आँखें भी नहीं खुल रही।
जा रही है। अब इस हम आ गए अपनी एक्टिवा पे, साफ करना पड़ेगा इसको। चलो हम चलिए पहुँचते हैं। उसके बाद चलते हैं, पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद दादी से मिल जाएंगे। अब मैं आ गई हूँ अहमदाबाद में, दादी से मिली हूँ, दादी भी बोलेंगे बेटा नहीं मिले आप। टूटा हुआ मंदिर आ चुके हैं, यहाँ पे सब पूजा कर जो हो चुकी है हमारी। हम चलते हैं नानी दादी के घर पे। वैसे ऐसे मैं सुंदर लग रही हूँ। चलो चलो हम चलते हैं, मम्मी तो निकल चुकी है, मैं भी जा रही हूँ, चलते हैं। भूख तो हो रही है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। चलते हैं जल्दी दादी के घर, उसके बाद साफ़ सफाई करनी है, आज हमें किचन की सफाई करनी है। रोज चलते हैं। अभी बस फ्रूट्स लेने गई है, ऐसे हमने नारियल बेचे। मम्मी आ जाए तो हम निकलते हैं। भीड़ हो रखी है वहाँ पे, जब लेंगे तो अच्छा है। ऐसे मैं दादी से बहुत टाइम से लेंगी, जब से मैं अहमदाबाद से गई हूँ, इसको मतलब 4 महीने से लेंगी दादी से। सारे आम देखो, आम ही आम। हम आगे दादी के घर पे, हमारी दादी कैसी हो? ठीक हो? तो काम सही? मैं भी ठीक। ठीक है? हाँ मेरी दादी। तबियत ठीक है? हाँ तबियत ठीक है। दूध बोले बीपी पे बीपी ने हाँ बोले ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। लूण मर्च मत बस डालो, लूण आलू बस बस लूण डालो। कदम बोलो बी पी आप नहीं कद साल पता भी होता परहेज करी कभी नहीं ये हमारी भाषा में लैंग्वेज भाषा चल रही है। लोग गाने के रेडी हो चुके हैं। ये हमारी दादी का गार्डन है, छोटा मिनी गार्डन। हाँ दादी ये देखो झुमकर झुमरा के कौन दी? अच्छा ये ये झुमकर है ये। अच्छा झुमर देख ले आप। ये देखो हमारे मौसम जी के पता मेरा भी ऐसे हाल हो रखा है। हां ये तो में ये है हमारी दादी का घर। अच्छा अच्छा था अभी अच्छा। और ये नेस्ट है चिड़िया का, हमने बना रखा है। चलो चलते हैं, चलो मम्मी रेडी हो जाने के लिए। नहीं बोला बेटा, इतना बड़ा घर बना दिया है। ये दादी की चोरी करते हुए जाते हैं हम लोग। ए मम्मी देखो छोकरी। हम फाइनली आ चुके हैं, अब थोड़ा कुछ पेट पूजा करते हैं हम।
भूख लग रही है तो देखते हैं आज क्या है। आज है पपैया और मुझसे कुछ अच्छा काम हो जाए वो तो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। चलो ये रहा पपैया जो हलाल होने वाला है, वॉश कर दो। तो बहुत अच्छा लग रहा है एकदम रेड 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 प्लस ऑरेंज होता है। पपैया ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और बहुत हीरो के लिए, हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। चिकन भी साफ कर लेते हैं। फाइनली किचन साफ हो चुका है और ये हमारा खाना आज के दिन के लिए। खाना तो हमारा चल ही रहा है, अभी कपड़े चेंज करके सो जाती हूँ, उसके बाद मुझे किचन साफ करना है इसलिए। A few moments later. So friends, हम उठ चुके हैं और चलो किचन साफ करने चलते हैं। अच्छा होता है, आधी तो मैंने कर ली है, ये मेरी साक्षी आधी हो गई है, आधी बाकी है, आधी करेंगे। आधी मेरी बहन ने कर दी है, आधी मेरे लिए रखी हुई है, मैं करूँगी। तो हमारे पास आज क्या क्या अस्त्र हैं साफ के लिए करने के लिए, ये है बाल्टी पानी और ये देखो गैस। हाँ बस साफ होना बाकी है और ये नीचे पानी पानी हो गया है। साक्षी चलो काम शुरू करते हैं। यह मेरी बहन साफ सफाई कर रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करके। वैसे मैंने ये साफ कर दिया, देख सकते हो नीचे बहुत गीला हो गया है, साक्षी साफ कर दिया। चलो फाइनली किचन साफ हो चुका है, अब चलो खाने की तैयारी करते हैं। आज हमारा फास्ट है तो हम लोग बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाएंगे और आज सबका फास्ट है, मम्मी पापा साक्षी मेरा। चलो बनाना शुरू करते हैं। जब तक मसाला रेडी हो रहा है, देखो हमारा पनीर भी हो गया है, तो अब मम्मी बनाएगी आगे का प्रोसीजर। चलो इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।